कहते हैं प्यार की नींव विश्वास पर टिकी होती है। जब तक विश्वास मजबूत है तब तक प्यार भी मजबूत है, और एक बार वो विश्वास रगमगा जाए तो उसके बाद प्यार बिखर कर रह जाता है। और शायद यही विश्वास नील को है अपनी अपनी यानी अनन्या पर, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अवनी गलत नहीं हो सकती है। बता दें आपको कि हाल फिलहाल में नामकरण का एक नया प्रोमो आउट हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे बेबे अवनी पर इल्ज़ाम लगा रही है और ना चाहकर भी अवनी को कैरेक्टर लेस समझ रही है। साथ साथ बेबे ये सब सिर्फ और सिर्फ श्रेया और श्वेता के भड़काने की वजह से ही कर रही है, क्योंकि जहां श्वेता को अवनी शुरुआत से ही पसंद नहीं थी तो वहीं दूसरी तरफ रिया खुद ही अवनी से जलती है। तो अब आप देखेंगे कि कैसे इस प्रोमो के अंदर दोनों के बुने हुए जाल के अंदर बेबे फंस जाएगी और अपनी बहू अनन्या से मांगेगी अली के साथ उसके नज़दीकियों की तस्वीरों पर सवाल कि आखिर क्या है अनन्या का रिश्ता अली के साथ और क्यों इस तरह अनन्या चुप खड़ी है, क्योंकि अनन्या को जवाब देना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि जहां खुद बेबे नहीं है गलत तो वहीं अनन्या भी नहीं होती है गलत, और ये सारी बातें नील अवनी दोनों ही जानते हैं। तो अब जब ऐसे में अवनी खड़ी होगी एकदम चुपचाप, तो नील साफ साफ कह देगा बेबे से कि अवनी कोई भी जवाब नहीं देगी और ना ही देगी कोई भी सफाई। साथ ही पूछेगा एक बड़ा सवाल उन सबसे कि हर बार एक औरत ही क्यों दे अग्नि परीक्षा और हर बार एक औरत पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं। और ये देखकर अवनी रह जाती है दंग कि कैसे नील ने बेबी को ही पलटकर इस बार दे दिया है जवाब। वेल, अब ये सवाल पूछकर बेशक अवनी को लेकर निकल जाता है नील, लेकिन अब इस तरह ना तो बेबी ये बात छोड़ेगी और ना ही अवनी को इस तरह खुद की वजह से नील को परेशान होता हुआ देख सकती है। तो वैसे में अवनी का अगला कदम क्या होगा ये देखना हो जाएगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। बने रहिए हमारे साथ और सारे सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।